आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में हैं। चुनाव तैयारियों को लेकर निरहुआ से हमारे संवाददाता आस्था कौशिक ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और सभी सांसद और उम्मीदवार अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार आपके ही उम्मीदवार को आपके बीच में लेकर के आना, लेकिन हमने देखिए रास्ते में चुनाव प्रचार में चल रहे एक ऐसे ही उम्मीदवार को आपके लिए पकड़ा है। और मेरे साथ इस वक्त आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, बीजेपी के सिटिंग एमपी भी हैं यहां से, और यहीं से एक बार फिर कंटेस्ट करें। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी। आजमगढ़ के अंदर यादव वर्सेस यादव की ये जो जंग चल रही है, आप उसका जवाब या उसको एक्सप्लेन एक गाना सुना करके कर रहे हैं, क्या बोल है उस गाने के? दो लाइन बड़ी मशहूर हो रही है, हम देख रहे हैं बहुत वायरल हो रहा है वो गाना। बिल्कुल, 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करव ले बा, केहू जवन ना करे पवलस कके निरहुआ देखव ले बा, पूरा आजमगढ़ चमके लागल सबके साफ दिखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथे बा। तो ये गाना तो आपने बहुत लोगों के जबान पर चढ़ा दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ के समीकरण को देखें। पिछली बार जो बसपा थी उसने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा था, उन्होंने मुस्लिम वोट बांट दिया और कहा जा रहा था कि इसलिए आपकी जंग आसान हो गई। लेकिन इस बार बीएसपी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने भी राजभर समाज से कैंडिडेट को टिकट दिया है, यहां से मैदान में धर्मेंद्र यादव भी हैं सपा के, तो ये मामला त्रिकोणीय हो गया है और दिलचस्प हो गया है। इसकी क्या काट और कैसे आप जवाब दे रहे हैं? मुझे लगता है कि वो जो राजभर आए थे वो अभी यहां से चले गए, वो नहीं लड़ रहे हैं अभी। यहां से बसपा से एक मुस्लिम कैंडिडेट है, और दूसरी बात यह है कि गुड्डू जमाली इंडिविजुअल गए हैं सपा में, वो बसपा थोड़े लेके गए हैं। बसपा का जो वोटर्स है वो तो वहीं का वहीं है, उल्टा मोदी जी के साथ आ गया है क्योंकि मोदी जी की सारी योजनाओं का लाभ उनको मिला है। कल मुबारकपुर में जो निर्दलीय चेयरमैन हैं डॉक्टर शमीम जी, जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, और उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और मंच से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की सभी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिला, इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं। तो आप जब यहाँ आजमगढ़ का माहौल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 19 में जब हम लोग चुनाव हारे तो भी आजमगढ़ में रह के काम किए, 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए, और जो कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी के लिए लड़ रहा था भिड़ रहा था, धर्मेंद्र यादव जी के लिए लड़ रहा था भिड़ रहा था, उसको भी अगर कोई काम पड़ा तो एक दिन मुंह दिखाने धर्मेंद्र यादव चुनाव के बाद आजमगढ़ में नहीं आए। उसको काम कराने के लिए दिनेश लाल यादव ही आजमगढ़ में मिला, तो अब वो भी मेरे साथ है। जिन गांवों में ऐसी मतलब ऐसा बूथ था कि सिर्फ यादव हैं, और वहां पता चला कि भाई 100% उनको वोट जा रहा था, अब वो बूथ भी हम लोग 22 में जीते इसी दम पे कि 19 से रह के काम कर रहे थे। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि आजमगढ़ का जो ये लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं और 5ों विधानसभाओं में से एक भी बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का लोकसभा उपचुनाव आप जीत गए, इसके पीछे राज क्या है? और काम करने के लिए आपको 15 महीने मिले फिर से चुनाव में। हाँ, इसका एक ही कारण था कि 19 में आजमगढ़ की जनता ने उनको अवसर दिया था, लेकिन वो बिना काम किए और छोड़ के आजमगढ़ को भाग गए, और हम लोग आजमगढ़ में रह रहे थे, काम कर रहे थे, तो ही जनता ने देखा कि अगर ये यहाँ रह के काम कर रहा है तो इसको हम लोग चुन के देखते हैं। और जब जनता ने मुझे 15 महीना दिया तो 15 महीने में मैंने वो काम करके दिखाया जो आजादी के बाद से मांग चल रही थी और ये लोग नहीं कर पा रहे थे। जैसे सबसे बड़ी मांग थी कि आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस से रेलवे लाइन सीधा जोड़ा जाए, ये आजादी के बाद से मांग थी, ये लोग नहीं। इसीलिए आप कह रहे थे कि 15 साल का काम 15 महीने में किया। बिल्कुल, और ये लोग नहीं कर पा रहे थे, और हम लोग इस पे भागदौड़ किए और प्रधानमंत्री जी से निवेदन किए, रेल मंत्री जी से निवेदन किए, और ये पास हो गया, सर्वे हो गया, अब वो रेल लाइन बन रही है। उसके अलावा इस आजमगढ़ में लंबे समय से संघर्ष चल रहा था कि एक विश्वविद्यालय होना चाहिए यहाँ पर, ये लोग नहीं कर पाए थे। हम 19 में चुनाव हारे थे, उसके बाद भी जब जनता ने हमसे कहा तो हम पूज्य महाराज जी के पास गए और उनसे हमने निवेदन किया, पत्र दिया कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय चाहिए, और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बन के तैयार हो गया, वहाँ पढ़ाई भी शुरू हो गई।
लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक खबर जो चर्चा में है और उसको सपा भी उठा रही है, लोकल उसको बहुत जिक्र किया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में शायद बीए का कोई पर्चा था वो ब्लैंक निकला, बच्चों को क्वेश्चन पेपर बांटा गया वो बिल्कुल ब्लैंक था। वो कह रहे हैं इस तरह के स्कैम हो रहे हैं, बहुत ही बच्चों की पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मुझे लगता है इस तरह का अगर कोई भी हुआ होगा तो उसमें जांच होगी। और ये लोग क्या बात करेंगे, ये वही लोग हैं जो लोग इनकी जब सरकार थी तो ये शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिए थे कि मैं गवाह हूं कि जब मैं बंगाल बोर्ड से पास था और पास करके जब मैं एडमिशन लेने के लिए गया तो उस कॉलेज के बाहर पर्ची लगी थी यूपी बिहार बोर्ड नो अलाउड। कोई दिल्ली बोर्ड का है तो 80% चाहिए, कलकत्ता बोर्ड का है तो उसको इतना परसेंट चाहिए, पर यूपी बिहार नो अलाउड का बोर्ड लगा था, यही सपा की सरकार थी। ये लोग बात करेंगे शिक्षा के बारे में? ये लोग तो वो लोग हैं जो मतलब शिक्षा का स्तर यहाँ इतना गिरा दिए थे कि बच्चे 90% 95% यहाँ मार्क्स लेकर के और ऐसे ही घूमते थे, वो किसी काम के नहीं थे। ये बात करेंगे सपा वाले?